आज किसान सभा की जिला कमेटी के लोगों ने यहां पर मोदी नगर में शत्रु संपत्ति के विरोध में चल रहे आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जहां पर मोदी नगर में बबली गुजर के नेतृत्व में शत्रु संपत्ति के विरोध में आज चल रहे आंदोलन में किसान सभा गौतम बुद्ध नगर की जिला कमेटी के सदस्यों ने यहाँ पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मोदी नगर तहसील परिसर में हजारों की संख्या में उपस्थित प्रभावित लोगों को यहां पर संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कहा कि आपने लड़ाई को बेहतर तरीके से संगठित किया है। संविधान की अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत आप यह लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान में सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के में विश्वास नहीं करती है। सरकार नौजवान किसान के विरोध में है और पुश्तैनीय 25,000 आबादी का शत्रु संपत्ति घोषित किया जाना सरकार की जन विरोधी होने की एक बड़ा प्रमाण भी है। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों पर सरकार को लेकर हमला बोला और आगे जाकर इन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पूनम पंडित भी लगातार हमारे आंदोलन में भी आपके आंदोलन में आती रही हैं। तो पहले जब हम आए थे तब भी हमने ये महसूस किया कि ये महिलाओं की जो उपस्थिति है वो अपने आप में एक अनोखी और ऐतिहासिक उपस्थिति है। आपके आंदोलन की मजबूती की सबसे बड़ी वजह यहाँ महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में जो उपस्थिति है ये बहुत ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ कि मोदी नगर में जो आंदोलन आपने खड़ा किया है ये बहुत बेमिसाल आंदोलन है और जीतने को लेकर के मुद्दे को हल होने को लेकर के हमें कभी भी शक नहीं रहा। जिस तरीके से आप लोगों ने इस लड़ाई को संगठित किया है और जिस तरीके से मजबूती के साथ अच्छे और मजबूत इरादे के साथ आप लोग इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है। मैं तो एक ही बात और कहूंगा कि जो मोर्चे ये आप लगा रहे हैं हम लोग लगा रहे हैं ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका आंदोलन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। वो लोगों के बोलने के जो अधिकार है उसमें भी विश्वास नहीं करते। वो भारत के संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में भी विश्वास नहीं करते। जो पत्रकार अपनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे उनको भी अभी उन्होंने जेल में बंद किया। जो बबली भाई और इनकी पूरी टीम है इनको भी पूरी तरह डराने का काम डराने की कोशिश प्रशासन ने की और ये हर जगह हो रहा है। क्योंकि जब आप एक सरकार के तौर पर एक पार्टी के तौर पर किसी आप लोकतंत्र के विचार में जब आपकी आस्था नहीं है तो आपके लोग इस तरह की हरकतें करते। आज महात्मा गांधी को याद करने का समय है कि उन्होंने जेल जाने को लेकर के आंदोलन को लेकर के जनता को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने हकों के लिए खड़ी हो आजादी की लड़ाई के लिए खड़ी हो। चौधरी चरण सिंह ने अपने समय में किसानों के मुद्दों को ऊपर लेकर के आए और वो राजनीति खड़ी करने का काम किया। ये बीजेपी जो पार्टी है ये आजादी के आंदोलन में इसने कभी हिस्सा नहीं लिया और बीजेपी पार्टी कभी भी भारत के संविधान के लोकतंत्र के सिद्धांतों में कभी विश्वास नहीं करती। तो भारत का जो विचार है भारत में जो जातियों का विचार है भारत में जो बहुत सारे धर्मों का विचार है और जो भारत का संविधान है ये सबको जोड़ने का काम करता। इसमें किसी एक धर्म की बात करना किसी एक जाति की बात करना ये भारत के विचार को नकारने के बराबर है। और हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो भारत के संविधान के बुनियादी सिद्धांत जिसमें हमें बोलने की आजादी मिली है उसका इस्तेमाल करके कर रहे हैं और इसी आजादी को कुतरने का काम काटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। और ऐसे में बबली गुर्जर और उनकी पूरी टीम जो लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रही है उनके हकों के लिए आपकी पूरी टीम इस बात के लिए बधाई की पात्र है और इस राजनीति को करने की जरूरत है
कि आप और हम सब मिलकर के चौधरी चरण सिंह की राजनीति को, आजादी के आंदोलन की राजनीति को, महात्मा गांधी की राजनीति को फिर से खड़ा करें और इसी राजनीति के बल पे आगे बढ़ने का काम करें। जो लोग अन्याय जिनके ऊपर हो रहे हैं, जिनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया है, उनके अधिकारों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे तौर पे सफल होने का काम कर रही है। ये आपने जो आज उपस्थिति दर्ज कराई है, पूरी तरह आप जीते हैं और आने वाले दिनों में इस लड़ाई के आधार पर आपकी पूरी टीम जो उभर के आई है और जो राजनीति आपने खड़ी करी है, पूरे मोदी नगर के आसपास के लोग इस चीज से प्रभावित होने वाले हैं, इस राजनीति से प्रभावित होने वाले हैं। अतुल प्रधान जी और हमारे तमाम साथी हर जगह मजबूती के साथ हर जन आंदोलन में जाकर के खड़े हो रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द एक राजनीति खड़ी करने का काम आने वाले दिनों में आप देखेंगे। विकास भाई, लोकेश भाई, तमाम हमारे साथी, जगबीर नंबरदार, गबरी यादव, गबरी मुखिया, ये शिशांत भाई, ये तमाम साथी पूरे इलाकों में घूम के विधायक जी के साथ में, कुलदीप भाई के साथ में, हम लोग एक इंडिया की राजनीति, विपक्ष की राजनीति, किसान की राजनीति, मजदूर की राजनीति खड़ी करने का काम करेंगे और इस सरकार को जो मजदूर के भी खिलाफ है, किसान के भी खिलाफ है, उखाड़ने का भी काम करेंगे। और जहां तक आपके इस मुद्दे का सवाल है तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको पहले से पहले ही कि ये लड़ाई तो आप जीत चुके हो। जिस मजबूत इरादे के साथ आपने ये लड़ाई शुरू करी है, ये लड़ाई आज आपने जीत ली है। ये पक्के तौर पर आपकी जीत हुई है। आपने जो कहा था वो करके दिखा दिया, इस प्रशासन को ये बता दिया कि लोगों के साथ यदि आप अन्याय करोगे और यदि आप मजबूत इरादे वालों के साथ में टकराने का काम करोगे तो उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। और वो करके दिखाया पब्लिक गुर्जर और साथी राहुल भाई की टीम ने और यह तालाबंदी का काम किया है। आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।